आचार्य जी, मेरा सवाल रिलेशनशिप्स को लेके है और शादी को लेके, और मतलब संबंधों को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ लाइफ में। पहले एक अभी रिलेशनशिप में था कई सालों से, उसमें एक दूसरे की हम मदद भी करते थे बहुत, जो एक दूसरे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली चीज़ होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता था। और अब ये चीज़ लगती है, क्योंकि अब मेरी जो एज है इस पर मुझे थोड़ा प्रेशर भी फील होता है, और जिस साथी के साथ था उसकी तरफ से भी प्रेशर फील होता है कुछ डिसीजन लेने का। और अब क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से अपनी लाइफ को लेकर के बहुत मतलब डेडिकेटेड हो गया हूँ कि मेरे जो जो भी मुझे कष्ट लगते हैं वो मुझे हटाने हैं, तो अब मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ईमानदारी से अपनी अपने कष्टों पे काम करेगा, तो उसको जो चैलेंजेस उस समय फेस करने हैं वो दूसरे व्यक्ति से काफ़ी अलग हो सकते हैं। और शादी के रिश्ते का मतलब जो हमारी सोसाइटी में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जीवन भर का साथ है, कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों में भी देखिए चीज़, जैसे एक और दोस्त है मेरा, वो भी अपनी लाइफ के लिए बहुत डेडिकेटेड है, प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि बस कुछ एक स्टेशन के साथी हैं, जैसे हमारा एक स्टेशन मिला, उसमें हमने किसी की मदद की और मैंने उसकी करी, लेकिन उसके बाद दोनों की दिशाएं, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो सिंक करेंगी पूरी ज़िंदगी। तो ये समझ में नहीं आता कि ये शादी का निर्णय कैसे लूँ, किसी की लाइफ तो नहीं ख़राब कर दूंगा अपने साथ में, और वो जो सिंकिंग है वो कहीं बंधन तो नहीं बन जाएगा। इस तरीके के सवाल मन में आते हैं। कोई MBBS फर्स्ट ईयर में हो और आके सवाल करे कि मैं बहुत कश्मकश में रहता हूँ कि मरीजों को ठीक कैसे करना है, मेरा कोई मरीज बिगड़ तो नहीं जाएगा, किसी की मेरे हाथों मौत ना हो जाए। और मैं बहुत परेशान रहता हूँ यही सोच सोच के कि मरीजों को ठीक कैसे करना है। मेरा सारा समय अभी ऊर्जा सब यही सोचने में जा रही है कि मरीजों को किस तरीके से मैं ठीक रखूँ। MBBS फर्स्ट ईयर का है, अभी अभी कॉलेज में इसका दाखिला हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इससे, क्या कहेंगे? बेटा आप मरीजों को अभी भूल जाओ ना, कुछ समय तक मरीजों का इलाज तो तुम तब करोगे ना जब डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हारी ऊर्जा तो अभी डॉक्टर बनने में जानी चाहिए। तुम्हें अगर मरीजों की फिक्र है भी, तो मरीजों के प्रति तुम जो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हो वो ये है कि अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम अभी डॉक्टर बने नहीं, तुमने मरीज हाथ में ले क्यों लिए? तुम अभी डॉक्टर बने नहीं हो, तुम अभी आदमी की हस्ती को समझते नहीं हो, तो तुमने मरीज ले क्यों लिए अपने हाथ में? मरीज ले लिए अपने हाथ में, अब कह रहे हो कि मुझे लगता है कि कहीं मेरी वजह से मरीजों की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। होगी ही बर्बाद। क्या अभी तुम में योग्यता थी मरीज हाथ में लेने की? तुमने मरीज स्वीकार क्यों किए? पर ये हम सबको बड़ा अच्छा लगता है, क्या कोई योग्यता हो ना हो, मरीज हाथ में ले लो। सबको प्रेमी बन जाना है जल्दी से। प्रेमी बनने का अर्थ एक तरीके से होता है चिकित्सक बनना। जिससे प्रेम करते हो ना, उसके सुधार और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आ जाती है तुम्हारे ऊपर। तुमने चिकित्सा शास्त्र पढ़ लिया है, तुमने कोई योग्यता अर्जित कर ली है? अगर नहीं कर ली है तो तुम हाथ में मरीज क्यों ले रहे हो? तुम तो उसकी जिंदगी खराब करोगे ही करोगे। ये होता यही है। MBBS पूरी करने में तो 5 साल लग जाते हैं, और आगे की पढ़ाई करो तो 5 साल और लग जाते हैं।
और मरीज हाथ में लेना हम शुरू कर देते हैं 14 की उम्र से। मैंने सुना है आजकल 8 की उम्र से। शी इज माई गर्ल, तुतला के बोल रहा है, थी माई दल। घर जाता है तो उसको अभी शर्ट बटन खोल करके उतारनी नहीं आती, वो मम्मी करती हैं। रातों को अभी बिस्तर गीला कर देता है, सुबह पापा उसको उठा करके बस में ऐसे चढ़ाने आते हैं। पर आशिकी परवान चढ़ी हुई है, कुछ और नहीं आता जिंदगी में। प्यार आता है। मनोज कुमार ने गाना गाया था, हमने उसको कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उसमें एक पंक्ति थी, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो भारत के सारे जवान लोगों का अब यही नारा है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, यही कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हें कुछ और आता ही नहीं है, ये बात तो पक्की है, कुछ नहीं आता होगा, प्यार सबको आता है। व्यक्तिगत रूप से मत लेना, तुम पर चोट करने कोई इरादा नहीं है। प्रेम हल्की बात नहीं होती है भाई, ऐसे थोड़ी है कि हाय हेलो हाय हेलो। बहुत नाजुक चीज होती है, जैसे मेडिसिन में सर्जरी करनी भी जरूरी होती है, नहीं तो मरेगा। सर्जरी बहुत जरूरी है तो मरेगा, पर अगर करनी नहीं आती तो सर्जरी में ही मर जाएगा। यह भी नहीं कह सकते कि सर्जरी नहीं करेंगे, तो प्यार जरूरी भी है, क्योंकि प्यार नहीं करोगे तो मरेगा, जैसे सर्जरी नहीं करोगे तो मरेगा। पर प्यार अगर गलत कर दिया तो गलत प्यार में ही मर जाएगा, जैसे गलत सर्जरी में मर जाते हैं। तो प्यार किसी बहुत किसी कुशल सर्जन के ही बूते की बात है, सब लोग उसमें हाथ ना डाल दिया करें। हत्या जैसा अपराध है, तुम्हें सर्जरी नहीं आती और सर्जरी करने लग जाओ, ये कैसा अपराध है? हत्या की बात हुई कि नहीं हुई? वैसे ही तुम्हें अपना कुछ पता नहीं, तुम्हें जीवन का कुछ पता नहीं, और तुम दूसरे के साथ प्रेम का या विवाह का संबंध बना लो, ये हत्या जैसा ही अपराध है। सौदा खरीदने जैसी चीज थोड़ी है, या आधार कार्ड बनाने जैसी चीज थोड़ी है कि बस बनवा लिया, क्या फर्क पड़ता है? गए एक दिन फोटो खिंचाई, हो गया। वैसे तुम्हें लगता है गए एक दिन शादी कर ली, हो गया। प्यार ऐसी चीजें से बच भी नहीं सकते, लेकिन अगर बिना पात्रता के करा तो फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर बिना तैयारी के करा, बिना अधिकार के करा, बिना समझ बूझ के करा, तो फिर वो प्यार नहीं है, वो अत्याचार है। प्राकृतिक आकर्षण को प्यार नहीं कहते हैं, किसी की आवाज अच्छी लग गई, आंखों के देखने पर कोई भा गया इसलिए उसकी ओर खिंचे चले गए, इस देहगत खिंचाव को प्यार नहीं कहते भाई।
प्यार एक पूरे तरीके से आध्यात्मिक चीज़ है, और जिन लोगों का अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं उन्हें बुरा लगेगा, पर मुझे कहना पड़ेगा कि वो प्यार के लायक ही नहीं है, उन्हें प्यार का हक ही नहीं है। बहुत लोगों को ये बात बड़ी विचित्र लगेगी, कहेंगे प्यार पर तो सबका हक होता है ना, प्यार के लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए। जी नहीं साहब, प्यार के लिए बड़ी से बड़ी डिग्री चाहिए, किसी सांसारिक यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। संसार की यूनिवर्सिटी की डिग्री तो फिर भी हो सकता है कि तुमको फरेब से मिल जाए, नकल से मिल जाए, रट के मिल जाए। प्रेम के लिए तुम्हें जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए वो बहुत ऊंची यूनिवर्सिटी है, और बहुत मेहनत से वो डिग्री अर्जित करनी पड़ती है, उसके बाद तुम अधिकारी होते हो प्रेम के कि अब कर सकते हो। ऐसे थोड़ी कि किसी को कोहनी मार दी, किसी को आंख मार दी, प्यार हो गया, फिर जल्दी से कूद के शादी भी कर ली कि अब तो देखो शादी की उम्र आ रही है ना, तो शादी भी कर लेनी चाहिए, लेट्स फॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप। और शादी हो गई तो बच्चे भी निकल ही आएंगे, वो भी आ गए, जैसे कोई बेहोश आदमी उल्टियां कर रहा हो नशे में, ऐसे तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं। आप बेहोश भी हो गए हो तो भी शरीर से पदार्थ तो बाहर आ ही सकता है ना, वैसे ही पति पत्नी दोनों बेहोश हैं, वैसे ही बेहोशी में उनके शरीर से पदार्थ बाहर आ रहे हैं, उन पदार्थों का नाम है बच्चे। कल्पना कर लो ना, एक शराबी खूह अपना पिए हुए नशे में धुत वो उल्टियां कर रहा है, ये संतान उत्पत्ति का कार्यक्रम है। और जब होश आता है तो देखता है अपने चारों ओर तो गंदगी ही गंदगी और दुर्गंध ही दुर्गंध, ऐसा हमारा जीवन है। दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने से बचो, बहुत सावधानी से, बहुत बहुत सावधानी से। और अगर बहुत तुमको भीतर भावना उठ रही है कि नहीं सामने वाला बहुत दुर्दशा में है, मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए, तो तैयारी करो ना। डूबते हुए को डूब कर थोड़ी बचाते हैं, बहुत अगर भावना उठ रही है कि कोई डूब रहा है तो ये थोड़ी करोगे कि तुम भी आकर के डूब गए, हो सकता है वो बेचारा खुद बच जाता लेकिन तुमने ऐसी छलांग मारी उसके ऊपर कि वो तुम्हारे ही बोझ तले डूब गया। दूसरे के जीवन में सहारा बनकर उतरने से ऊंचा कोई काम हो नहीं सकता, और दूसरे के जीवन में अनधिकृत हस्तक्षेप करना, इससे घटिया कोई काम हो नहीं सकता। कि किसी की जिंदगी चलो ठीक थी, परेशान थी या जैसी भी थी, एक औसत साधारण जिंदगी चल रही थी, पर चल रही थी, और तुम उसी जिंदगी में आशिक बनकर घुस गए, और फिर तुमने जो वहां पर भूचाल उठाए, सुनामियां उठाई, कि जो थोड़ा बहुत चैन किसी के जीवन में था भी वो भी तुमने लूट मारा, यही होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो यही हुआ है। सबके साथ यही होता है बेटा, आपकी अकेली कहानी थोड़ी है, आप प्रतिनिधि मात्र हो एक बड़े समूह के। अभी मैं पढ़ रहा था, महिलाओं के दुनिया में जितने भी कत्ल होते हैं
उसमें से 38% उनके अपने परिवार वाले करते हैं, ज़्यादातर उनके प्रेमी आशिक पति लोग। और इन प्रेमियों ने उनके जीवन में क्या बोलकर प्रवेश किया होता है, मैं बाहर लेकर आऊँगा, जनेवन मैं तुम्हारे जीवन को संवार दूंगा, अभी पतझड़ है मैं तुम्हें बाहर दूंगा। और बाहर की जगह इतना बड़ा खंजर अंदर, कल्पना कर सकते हो दुनिया भर में महिलाओं के जितने कत्ल होते हैं उसमें से 38% कौन करते हैं, उनके अपने परिवार के लोग, जिसमें ज्यादातर पतिदेव हैं या प्रेमी देव हैं। ये सर्जरी हो रही है खंजर से, आचार्य जी आपने एक जगह बोला है कि सबसे अच्छा तो संबंध ये कि कोई तुम्हें ये ऐसा मिल जाए जो तुम्हें समझाए कि तुम पूर्ण ही हो। और अगर नहीं, ये समझाए पूर्ण ही हो, कैसे समझा दोगे पूर्ण ही हो, वो अपूर्ण है, तुम उसे पूर्ण क्यों बता रहे हो। नहीं, मेरा कहने तो ऐसी सी बात है कि नकली के डब्बे पर तुमने असली का लेबल लगा दिया। नकली एक डब्बा है, उसमें सब नकली सामग्री भरी है, तो तुम्हारा काम क्या है, उस डब्बे को खाली करना या उस पर असली का लेबल चिपका देना। पर खाली करना मेहनत का काम होता है और कष्ट भी होता है। खाली करने तो सोच रहे हो ना कि सामने वाला जिन चीज़ों से भरा हुआ है, उसका डब्बा जिन चीज़ों से भरा हुआ है, उन चीज़ों को बाहर उड़ेलना, ये मेहनत का काम होता है, ये कौन करे। तो इससे अच्छा ये है कि उसको बोल दो तुम तो पूर्ण ही हो, प्रेमी हो कि गुरु हो, सबका भी इसी में काम चलता है। जो जिस हालत में उसको बोल दो यू आर परफेक्ट एज यू आर, और लव मीन्स एक्सेप्टिंग समवन एज ही और शी इज। वॉट इफ द फेलो इज फुल ऑफ शिट, तुम उसको साफ करोगे या उसको जैसा है वैसा ही तुम कह दोगे तुम तो पूर्ण ही हो। शब्द गलत इस्तेमाल कर गया, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको कोई रोशनी की तरफ ले जाने वाला, मतलब आपने एक जगह बोला है कि जब हमें हम किसी को रोशनी की, या तो रिश्ता ऐसा हो कि आप किसी को रोशनी की ओर ले जा रहे हो या वो आपको ले जा रहा है, आप दोनों ले जा रहे हो। अब इसमें एक बहाना ये भी होता है कि भाई जब हमें ही खुद नहीं पता रोशनी का, परमात्मा का, तो हम पूरा इंतज़ार भी करते रहे। अब 32 की मेरी एज हो गई है, तो वो कैसे पता करें बैलेंस कि अब मैं किसी को बोल सकता हूँ कि चल मुझे भी पूरा नहीं पता है, तुझे भी नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूँ। सावधानी का काम होता है, तुम्हें भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, तो तुम फिर उसके पथ प्रदर्शक गाइड नहीं बन सकते। बात समझ में आ रही है? तुम फिर दोनों ऐसे बन सकते हो कि हम दोनों बीमार हैं और हम दोनों को डॉक्टर खोजना है, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। शहर में दो घूम रहे थे, दोनों बीमार थे, चलो दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर ली, और उस मित्रता का उद्देश्य क्या है कि तुम भी बीमार हो हम भी बीमार हैं, दोनों को ही चिकित्सक चाहिए, दोनों जरा साथ में चिकित्सक खोजेंगे तो शायद जल्दी मिल जाए चिकित्सक। ये एक बात होती है, और दूसरी बात क्या होती है, दो रोगी मिले और दोनों एक दूसरे के चिकित्सक बन गए, ये बिल्कुल ही दूसरी बात है। प्रेमी प्रेमिकाओं में यही होता है, वो तुम्हारी चिकित्सा कर रहा है, तुम उसकी चिकित्सा कर रहे हो, मेरा सोना नाराज है मैं उसको ठीक कर दूंगा। कभी ऐसा होता है कि सोना बाबू नाराज है तो तुम कहते हो चल गीता पढ़, मैं थोड़ी तो ये ठीक कर सकता हूं, तो ये तो कृष्ण ठीक करेंगे, चल गीता पढ़। नहीं, वो तो नाराज होता है, तुम तुरंत उसको कहते हो ला अपना सर मेरी गोद पे रख दे। तुम्हारी गोद में ऐसा क्या है कि सोना बाबू ठीक हो जाएगा? भाई तुम्हारी गोद में दवाइयां हैं। कोई तुमको मरीज मिले और तुम उससे कहो आजा आजा मेरी गोद में लेट जा तो ठीक हो जाएगा? एम्बुलेंस बुलाने की जगह तुम उसे अपनी गोद में लेटा रहे हो, दुश्मन हो। लेकिन सोच के देखना, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा सोना बाबू तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि एकदम उसका अभी तार ढीला है,
अंजड़ पंजड़ पेंच पुर्जे सब एकदम हिले हुए हैं अभी, और तुमने कहा हो कि तुझे उपनिषदों की ज़रूरत है अभी, तुझे मेरी नहीं ज़रूरत है, तुझे उपनिषदों की ज़रूरत है। अगर तू ये सब बोलेगा अभी कि मेरे पास आ जाओ तो मैं तेरे पास उपनिषद लेकर आऊँगा, तू भले ही मुझसे इस वक्त बोल रहा हो नहीं 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 आई नीड यू, मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ उपनिषद लेके आता हूँ। ऐसा करा कभी? ऐसा तो नहीं करते। फिर तो तुम और पहुंच जाते हो जोर से, यही मौका है। आज सोना बाबू ने खुद ही बुला लिया, बढ़िया मौका है। तो ये विनम्रता होनी चाहिए क्या कि हाँ हम दोनों मरीज हैं और हमारे साथ का उद्देश्य बस ये है कि अगर साथ रहेंगे तो शायद चिकित्सक ज़्यादा आसानी से जल्दी खोज लेंगे। हमारे साथ का उद्देश्य ये नहीं है कि अब चिकित्सक की ज़रूरत ही नहीं, पहले तो तुम भी कुछ खोज रहे थे हम भी कुछ खोज रहे थे और हम दोनों अब साथ हो लुए तो दोनों की खोज बंद हो गई, यही होता है कि नहीं होता है बोलो। लोग आते हैं कहते हैं ऐसे ही आएंगे तो उनकी अब उम्र हो रही होगी 40-50 साल की, आचार्य जी आपकी बातें सुनते हैं तो वो आज कृष्णमूर्ति साहब की याद आ गई, शादी से पहले मैं पढ़ा करता था उनको काफ़ी, और एक बार तो मैंने उनका टॉक हुआ था, वो अटेंड भी करा था शादी से पहले। जब 2-3 बार बोल लेंगे कि शादी से पहले पढ़ता था, मैं कहता मतलब आज से कितने साल पहले? 25 साल पहले करीब, अभी 50 करीब मेरी उम्र हो रही है। शादी के बाद तुम पर निरक्षरता छा गई क्या? पढ़ना लिखना सब भूल गए? इतना क्या आप तुम आहें ले भर भर के बता रहे हो मैं शादी से पहले कृष्णमूर्ति साहब से मिला था, एक बार उनको पढ़ा करता था, आचार्य जी आपको देखकर आज उनकी याद आ गई। शादी के बाद क्या हो गया? यही हो गया, अब तो पत्नी श्री तुम्हारी चिकित्सक है तो कृष्णमूर्ति की जरूरत ही नहीं। ये कौन सी पत्नी है जो तुम्हारे जीवन में आई और कृष्णमूर्ति को बाहर कर दिया? और यही काम पतिदेव भी करते हैं, बराबर का मामला है। पढ़ने लिखने वाली अगर मिल गई उनको प्रेमिका या पत्नी तो इससे ज्यादा दुखद समाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पढ़ेगी लिखेगी थोड़ी समझदार होगी तो पति के साथ बेवकूफियों में छलांग नहीं मारेगी ना, बड़े दुख की बात है। यही काम मां बाप बच्चों के साथ करते हैं, हम बताएंगे ना हम तुम्हारे चिकित्सक हैं, जिंदगी में किसी काम के नहीं, वो तो प्रकृति का खेल कुछ ऐसा है कि कोई बिल्कुल नकारा आदमी भी हो तो भी वो बाप बन सकता है। कोई एकदम औसत से गिरी हुई स्त्री भी हो वो भी मां बन जाएगी। सड़कों पे देखो ना, सब जीव जंतु बच्चे पैदा करे हुए हैं, मच्छरों तक ने अंडे दे रखे हैं सड़े हुए पानी में, तो सब मां बाप बन जाते हैं। और जो माँ बाप बन जाते हैं ये अपने बच्चों के फिर चिकित्सक बन जाते हैं, ये उनको ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। तुम हो इस लायक कि अपने बच्चों को ज्ञान दोगे, पर तुम्हारी पूरे जमाने में कोई सुनता ना हो, अपने लड़के पर चढ़ने के लिए तुम बड़े उस्ताद हो, एकदम सर पे चढ़ जाओगे अपने लड़के के और लड़की के भी। और मैं जैसे बता रहा हूँ, हम बता रहे ना तुमको वैसे करो ऐसे जीना चाहिए, देखो ये ठीक है ये गलत है। तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी पता चला क्या सही है क्या गलत है? तुम अपने बच्चे के ऊपर चढ़ गए उसको बताने लग गए क्या सही क्या गलत? कमेंट आते हैं, लोग लिख लिख करके अलग से संदेश भेजते हैं, कोई फोन पे बता रहा है कोई व्हाट्सएप भेज रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं जहर खा के जान दे दूंगा अगर तू
इस लुच्चे प्रशांत को सुनता नजर आया दोबारा तो अब मैं आपको छुप छुप कर सुनता हूं। धन्य है वो समाज, धन्य है वो युग जहां तुम्हें मुझे चोरी से सुनना पड़ता है, और चोरी तुम खुलेआम कर सकते हो, चोरी तुम धड़ल्ले से कर सकते हो, लेकिन सच तुमको चोरी से सुनना पड़ता है। किसकी करतूत है ये? पिताश्री जो चिकित्सक बनकर बैठ गए हैं, जो खुद दुनिया के सबसे घनघोर मरीज है और बन बैठे हैं चिकित्सक अपने लड़के के ऊपर सर पे चढ़ के, क्यों? क्योंकि लड़का अभी उन पर आश्रित है, आर्थिक रूप से आश्रित है, भौतिक रूप से आश्रित है, तो उसके ऊपर चढ़े बैठे हैं। ये तो छोड़ दो कि हम अपने साथी को सच की ओर या रोशनी की ओर ले जाना चाहते हैं, वो जा भी रहा हो तो हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि खबरदार तू उधर गया। तो पहले मेरा पति मेरे साथ कितना खुश रहता था, मेरी सारी मांगें पूरी करता था, लेकिन जब से उसने इस आचार्य को सुनना शुरू किया है तब से वो गंभीर हो गया है। आग लगे इसको, जल्दी से जल्दी मरे ये आचार्य। अपने आप को काबू में रखो, लगातार अपने आप को ये बता के रखो कि मैं इस लायक नहीं हूं कि दूसरे हूं का नेतृत्व कर सकूं, कि किसी दूसरे का पथ प्रदर्शक बन सकूं, चिकित्सक बन सकूं, गुरु बन सकूं। मैं तो विनम्रता के साथ दूसरे को यही बोल सकता हूं कि देखो मुझे दो चार छोटी सी बातें पता है, ये मैं तुमको बता सकता हूं, और आगे की बातें शायद तुमको उस किताब में मिलेंगी, वहां मिलेंगी, वहां मिलेंगी, वो भी मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता। हाँ, तुम अगर उधर चलना चाहते हो तो मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि मेरी भी उत्सुकता है, मेरी भी जरूरत है कि मैं वहां जा करके कुछ लाभ पाऊं, तो चलो दोनों साथ में चलते हैं उधर की तरफ। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ही तुमको सब बता दूं तो मैं इस लायक नहीं हूं, ये होना चाहिए तुम्हारा वक्तव्य। बात आ रही समझ में?